चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जितने भी हमारे स्टूडेंट है फटाफट सेशन को ज्वाइन करेंगे, है ना। सारे बच्चे आ जाइए एक बार, है ना। और आवाज, पिक्चर क्लियरिटी, आज से प्रीमियम मॉक टेस्ट चालू करेंगे। इसके बाद आप सारे एग्जाम में से परफेक्टली बना पाएंगे। बच्चों, सारे बच्चे आ जाइए। आवाज आवाज मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं एक बार बताइए कमेंट करके। आवाज मेरी क्लियर है? सब बच्चे, सारे बच्चे जवाब देंगे, मेरी आवाज क्लियर होनी चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अब तक जो बच्चे हमारे टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते हैं वो एक बार थोड़ा सा जान लीजिए कि इसी टेलीग्राम से आपको जुड़े रहने से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं बच्चों, है ना। इसी टेलीग्राम से जुड़े रहने से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है, आ गए सबके सब। लिंक शेयर कर लें दो मेरे को, है ना। लिंक क्या होता है, कई बच्चों को लिंक मिलता नहीं है, कई बार YouTube भी लिंक नहीं भेजता है, उसको मेरे को शेयर कर लें दो स्टूडेंट। ठीक है, और अब से वार्डन वाले बच्चों को भी क्लास को चालू करते हैं, जो कि शाम को रहेगा क्लासेस इसकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद सेशन को चालू कर देंगे। हाँ, गुड इवनिंग। और साथ में याद रखिए, ये इसकी जो जीके पोर्शन है सभी काम आएंगे। ठीक है, ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, चलो, पहला जो टॉपिक आज हम लेके आएंगे वो चलेगा छत्तीसगढ़ जीके। पहला सेक्शन जीके का है, इसके बाद के सेक्शन में कंप्यूटर आएगा। ठीक है, बताएंगे कौन सा मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत में 1300 सॉरी 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जवाब दीजिए कमेंट करके, कौन सा छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत श्रेणी पे, जवाब दीजिए। मैं तब तक तो थोड़ा सा लिंक भेज लेता हूं, तब तक सारे बच्चे कमेंट करना चालू करेंगे। लिंक भेज देता हूं, तब तक सारे बच्चे कमेंट करना चालू करेंगे। स्टूडेंट जवाब दीजिए सारे के सारे बच्चे। ठीक, हो गया, लिंक सेंड हो गया। हाँ, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करो फटाफट। चलो कमेंट करना चालू करो। ठीक है, लिंक विंक मैंने शेयर कर दिया है, आप कमेंट करिए। कौन सा मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है? हाँ, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपको नॉलेज में होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, ये सवाल हम कुछ ऐसे लेके आ रहे हैं जो आपसे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। ठीक है, मैकाल श्रेणी पूरी फैली हुई है ना, उस पे ये सवाल है। नहीं बेटा, अमरकंटक का मंदिर है, अमरकंटक का मंदिर देखे हो ना, अमरकंटक का मंदिर गए हो कि? नर्मदा नदी के किनारे जो स्थित है अमरकंटक का मंदिर, एमपी की तरफ पड़ता है ये, है ना। छत्तीसगढ़ का जो मैकाल पर्वत है ना, देखिए पर्वत क्या होता है, पूरा फैला हुआ होता है ना, और इसकी ऊंचाई अलग अलग होती है, वो है अमरकंटक का मंदिर। तो याद रखिए, ये सवाल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था पर पूछा जाता है। अब ये सवाल है एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, छत्तीसगढ़ के टॉपिक के अंदर पढ़ाई किया है, वो इसका जवाब दे पाएगा। विकल्पों में सही कथन का चयन करें। चलिए बताइए सही कथन कौन सा है, जवाब दीजिए कमेंट करके। विकल्पों में सही कथन का चयन करें। चार पांच विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा सही कथन है? हाँ, एमपी में है अमरकंटक का मंदिर, जवाब दीजिए। विकल्पों में सही कथन का चयन करना है आपको। अब बताइए, आपने पढ़ा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे बच्चे जवाब देंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन देख लो प्रॉपरली, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, आप सभी बता रहे हैं ई, सही है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर पे है, ये बात तो सही है। सीता बेगरा गुफा रामगढ़ में है, करेक्ट बात है। पाली का शिव मंदिर, जो पाली का मंदिर है वो शिव भगवान से संबंधित है। और बलमदाई देवी देवी स्थान जो डोंगरगढ़ में है, डोंगरगढ़ का मंदिर जो नहीं बोलते, माता बम्लेश्वरी का मंदिर है। तो देखो बेटे, ये क्या है, आपके सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ के एक सवाल बनाया जाता है एग्जामिनर। एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट का ही मेन खेल होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट में ये पूरा नहीं पढ़ा है कि लक्ष्मण मंदिर,
सिरपुर में है सीता बेंद्रा गुफा है ना, बेंद्रा गुफा, पाली का शिव मंदिर है ना, ये सब पूरे कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है सवाल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर टेस्ट लेते हैं आप लोग का। दो कथन दिए हैं, कथन ए कथन बी। पहला कथन बोलता है कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, और सेकंड कथन बोलता है राम झरना बस्तर में स्थित है, उस पर दिया गया विकल्प, सही उत्तर चुनिए। आपकी परीक्षा जब होगी ना बच्चा, परीक्षा आपकी परीक्षा कुछ इसी टाइप से होगी, आपकी परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं, आप हवा हवा ही पढ़ते हो ना, ये कॉन्सेप्ट सवाल है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ ठीक है ठीक है, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। हाँ अब देखते हैं कौन बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पढ़ाई करना अलग मैटर है, सवाल को एग्जाम में कॉन्सेप्ट से बनाना अलग मैटर है। जवाब दीजिए आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए, एकदम सही आंसर है। हाँ क्या है, ए, पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि राम झरना बस्तर में नहीं है, ये रायगढ़ में है। राम झरना कहां है, रायगढ़ में है, जब राम भगवान आए थे ना उस समय का है ये राम झरना, कहां पे है ये, रायगढ़ में है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा आप लोगों का, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। कथन एक सही है और आपकी परीक्षा का सवाल भी यही है बच्चों, इसी बात को हम बार बार जोर दे रहे हैं अपने सेशन में कि पढ़ाई करना मजाक नहीं है, कि छोटे छोटे सवाल बना के निकल जाना मजाक नहीं है, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछे जाएंगे। राम झरना रायगढ़ में है, अगर कभी जाओ तो बहुत सुंदर झरना है, ये रामायण काल का झरना है, याद रखना राम झरना, ठीक है ठीक है। हाँ रायगढ़ में बेटा, तो ये चित्र देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि राम झरना रायगढ़ में है, ठीक है। र से राम और र से रायगढ़, ये दोनों र से चालू होता है, ऐसे याद नहीं करना है आपको, और भी कॉन्सेप्ट लगा के याद करने हैं बच्चों, ठीक है। कौन सी शताब्दी कवि शताब्दी कही जाती है, कौन सी शताब्दी कवि शताब्दी कही जाती है, जवाब दीजिए। थोड़ा मेरे को लग रहा है सवाल गलत है, ये सवाल गलत, छोड़ो उसको, ये बताओ कि छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी में निर्मित बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहां स्थित है। मैं सारे अपने है ना, अच्छा घर के पास है, ठीक है, बागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। मैं सारे अपने स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जितने भी छत्तीसगढ़ में पर्यटन है, हर साल पर्यटन से सवाल आपके एग्जाम में आता है, हर साल आता है, आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बताइए बागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर कहां स्थित है, सारे बच्चे जवाब देंगे, कमेंट करिए बच्चों कहां स्थित है, जवाब दीजिए, पढ़े हो ना। हाँ कई बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं, शाबाश बच्चे, आरंग में है, ठीक है। आरंग मंदिरों का नगर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मंदिरों का नगर कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है। दो मिनट, पेन थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है, इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे, मंदिरों का नगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कभी आरंग जाना हुआ, देखिए आरंग कहां पड़ता है, अगर रायपुर से आगे जाएंगे ना तो आपका मंदिर असौत के बाद आरंग आता है, आरंग अभी बहुत डेवलप्ड हो गया है, वहां बहुत सारे जैन मंदिर भी है, बहुत सारे जैन मंदिर भी है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से याद रखिए, आपको लोकेशन बेस सवाल पूछेगा, आपको लोकेशन बेस ही जवाब देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इस बात को सारे बच्चे याद रखिए। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहां स्थित है, जवाब दीजिए। अच्छा बात है, मंदिर घूम लिए तो जीके भी याद हो जाएगा। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहां पे स्थित है, कमेंट करके जवाब देंगे सारे बच्चे। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहां पे स्थित है, और जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं अभी, मैं क्लास के बाद रिप्लाई करूंगा ना, अभी नहीं, जवाब दीजिए कहां स्थित है माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर।
हाँ चंदखुरी में, ये देखिए कैसे डेटा याद हो रहा है। देखिए डेटा इसलिए याद हो रहा है बच्चों कि आप उस डेटे को प्रॉपरली पढ़ रहे हो, इसलिए आपको डेटा याद हो रहा है। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? चंदखुरी में, ठीक है ना। देखो याद रखना कि तालाबों के लिए मशहूर रायपुर जिले को, तालाबों के लिए बूढ़ा तालाब हो गया, बहुत तालाब हो गए, के लिए मशहूर रायपुर जिले के चंदखुरी गांव में जलसेन तालाब के बीच में, जलसेन देखो बेटा तालाब का नाम याद रखना, जलसेन तालाब के बीच में माता कौशल्या का मंदिर है, जो दुनिया में भगवान राम की, दुनिया में भगवान राम की मां का इकलौता मंदिर है दुनिया में। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में भगवान माता राम, भगवान राम की माता का इकलौता मंदिर, माता कौशल्या का जन्म स्थल के कारण इसे राम लाल का नहीं, क्या बोलते, निहाल मतलब नानी का घर भी कहा जाता है। इसी कारण दीपावली के अवसर पर चंदखुरी में उत्सव मनाया जाता है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स को देख लेना ताकि आपसे गलती ना हो एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बहुत अच्छा है। 1962 और 1963 में भारत और चीन के बीच हुआ था युद्ध, उसके पश्चात तिब्बती शरण यात्री छत्तीसगढ़ में कहां बसे थे? नैनीताल बोलते हैं क्या? नानी का घर, जवाब दीजिए। ये सवाल अच्छा है। जब तिब्बत से लोग आए थे, जब भारत और चाइना के बीच क्या हुआ, वॉर हो गया था, तो तिब्बत से लोग यहां वापस आए थे, तो बताइए वो कहां आके रुके, है ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए बच्चों, आपके सवाल थोड़े से कॉन्सेप्ट सवाल आएंगे। मैन पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत खूबसूरत जगह है मैन पार्ट, आप जाके घूम के आइए। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे प्लेस है जो बहुत सुंदर भी है और बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट, तो सारे बच्चे एक बार घूम के आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ में महर्षि श्रृंग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैं पर्यटन को ज्यादा इसलिए करवाता हूं कि पर्यटन से सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं, तो कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में महर्षि श्रृंग ऋषि का आश्रम कहाँ पे स्थित है। कमेंट करके सारे बच्चे जवाब दिए कहाँ पे स्थित है, पूरे के पूरे बच्चे कमेंट करिए। हाँ वेरी गुड स्टूडेंट, कहाँ स्थित जवाब दीजिए, श्रृंग ऋषि का आश्रम। पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं सर, बिल्कुल सिहावा धमतरी में स्थित है। वेरी गुड, सिहावा पर्वत जहां से महानदी निकली है रे, ठीक है। सिंह ऋषि के आश्रम के बारे में, सिहावा की पहाड़ी पर महेंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध त्रेता युग के प्रसिद्ध ऋषि सिंह ऋषि का आश्रम है, जहां से महानदी का उद्गम हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऐसे पॉइंट्स को यहां से रिलेट करके चलना है। आपको थोड़ा सा नोट्स भी, आपको थोड़ा सा अंदर भी जाना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से सवाल बनते हैं, और जब सवाल बनते हैं तो कुछ सवाल पूछ सकता है कि सिहावा की पहाड़ी पर महेंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध, त्रेता युग में महेंद्रगिरी के नाम प्रसिद्ध थे सिंह ऋषि का आश्रम है, महानदी का उद्गम है सिहावा में है, कहां है? सिहावा धमतरी जिले में है ना, धमतरी जिले में है ना। ये सारे पॉइंट याद रखिए। अगला क्वेश्चन, खैरोद के लिखेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशीय शिला लेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? खैरोद पता है ना कहां पे है, कि लिखेश्वर मंदिर में प्राप्त पांडु शिला लेख क्या होता था? देखिए बेटा शिला क्या होता है, एक प्रकार से पत्थर होगा, शिला लेख जानकारी मिलना कि भैया कौन सा राजा उस समय क्या था, उस समय पत्थर पे, ताम्र पत्र पे, है ना, शिला लेख पे ये सब लिखा जाता था, डिटेलिंग दी जाती थी। तो एकदम थोड़ा क्वेश्चन अंदर का है, कोई जानता है जवाब दीजिए, उसे क्या बोलते थे? एकदम ईशान देव, वेरी गुड। देखो ये
ये चीज मैं जब अपने मतलब कमेंट बॉक्स में देखता हूं ना, तो मुझे एक चीज का फक्र होता है कि हमारे बच्चों को छत्तीसगढ़ बहुत तगड़ा है। सवाल घुमा के भी दे देगा तब भी बता दोगे, घुमा के दिया ना, खैरोद के लिकेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशीय शिलालेख। पांडुवंश क्या थे? महाभारत काल के समय के थे, इस बात को याद रखना। वेरी गुड स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। चल, 1990 में किसकी देखरेख में तीर्थ स्थल सद्दानी दरबार का कार्य पूर्ण हुआ? सद्दानी दरबार बहुत अच्छा जगह है स्टूडेंट, समय मिलता है ना एक बार राउंड लगा के आइए। ये सारे जगह बहुत ऐतिहासिक है हमारे छत्तीसगढ़ में, और ऐतिहासिक स्थल से जिसको संरक्षित किया गया है वहां से आपके एग्जामिनर द्वारा सवाल पूछा जाएगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। पढ़े हैं आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी देखे हो? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए। अब थोड़ा सा अप एंड डाउन जा रहा है। 1990 में देखरेख में तीर्थ स्थल में सद्दानी दरबार का कार्य पूरा हुआ था। हाँ, संत गोविंद राम जी महाराज। ये थोड़ा सा गलत, कई बच्चे जवाब दे दिए बी। नहीं, संत गोविंद राम जी महाराज जी थे। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है ऐसे सवालों में ना, वो नहीं पूछता कि उस समय के राजा कौन थे, कार्यकाल क्या था, क्या था। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि ये कब बना, है ना? तो ये डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, हाँ, नहीं, ये है संत गोविंद राम जी महाराज है। ठीक है, अच्छा, कई लोग क्या बोल रहे हैं, मंगल राम साहिब। नहीं बेटा, अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके पास व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूं, आप एक मेरे को इसका ऑथेंटिक डेटा बताइए कहां से पढ़े हो करके। ठीक है, चलो, निम्न में किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार की और प्रतिमाएं मिली है? बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है। अब ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि बौद्ध है ना कहां पे है, ये तो हजार बार सवाल, देखिए बौद्ध विहार से रिलेटेड सवाल आएगा ना आपको याद हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ, कमेंट करिए बच्चों। निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है? सिरपुर, सिरपुर, सिरपुर। लक्ष्मण मंदिर भी सिरपुर में है, बौद्ध विहार भी सिरपुर में है। बहुत बार ये सिरपुर आपके सवाल, आपके प्रश्न का देवता बनता है। ठीक है, तो अगर आप कभी जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आपको आकृति देखने को मिलेगी। आप समय निकाल के जाइए और ऐसी टाइप की आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये है बौद्ध विहार स्टूडेंट। ठीक है, सारे बच्चे इसको फॉलो करके रखेंगे और सारे बच्चे इसको याद करके चलेंगे। ठीक है, चलो, चित्तवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप याद रखिए, जो भी रॉक पेंटिंग हुआ है जिसको बोलते हैं शैल चित्र, ये सभी गुफाओं में किया जाता था। मैक्सिमम गुफा चाहे सिंगमपुर का हो गया, चितवा डोंगरी गुफा हो गई, आपको लोकेशन याद रखना है। लक्ष्मण मंदिर भी है, बताइए चितवा डोंगरी गुफा कहां पर है? जवाब दीजिए बच्चों, चितवा डोंगरी गुफा। पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं, याद है, गुफाओं से सवाल कई बार पूछता है। याद रखिए, इंसान मैक्सिमम टाइम गुफाओं में तो काम किया है, रहा है, पानी से बचा है, पेंटिंग बनाया है, जिसे सेल चित्र कहते हैं, रॉक पेंटिंग कहते हैं। हाँ, राजनांदगांव, तो ये चीज आपको याद हो गया, राजनांदगांव। ठीक है, तो कोई ये अगर कभी जाना हुआ तो ये आपका पर्यटन है। पहले ये एक्चुअल में बालोद जिला के आसपास था, ये है ना। ठीक है, ये ना बालोद के आसपास था। ठीक है, तो राजनांदगांव लेके चलते हैं बच्चों इस चीज को। ठीक है, अगला, ये सबसे उसका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? शैल चित्र क्या होता है बेटा? रॉक पेंटिंग बोलते हैं ना। रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों में क्या करते हैं, वो अपना बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। कहीं पे मानव के चित्र मिले हैं, कहीं पे घोड़े के चित्र मिले हैं, कहीं पे हाथियों के चित्र मिले हैं। हर प्रकार में अलग अलग कलर्स में चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों का अध्ययन करके बताया गया
वो उस समय क्या चल रहा था करके। अब इसके खोजकर्ता का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्र खोज सर्वप्रथम किसने किया, जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर के साथ आंसर आ रहा है भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। करेक्ट आंसर है बच्चों भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। देखिए खोजकर्ता याद रखिए, चाहे वो शंकर तिवारी जी हो या बाकी लोग हो, ये खोजे इन शैल चित्रों को, इन पेंटिंग को खोजा और इन्हीं के आधार पर बताया गया उस समय क्या हुआ करके। मतलब मानव पहले से पेंटिंग कर पाते थे, भाव चित्रात्मक शैली थी, याद रखना चीजों को, ठीक है। पूर्व पाषाण काल संबंधित है, पूर्व पाषाण काल, देखिए पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। अब पत्थर का काल जिसमें पत्थरों का ज्यादा इस्तेमाल होता था, चाहे पाषाण घेरा बना लो, मरने के बाद पाषाण का घेरा बना लो या पाषाण की चीजें बना लो, तो जवाब दीजिए पूर्व पाषाण काल संबंधित है। जवाब दीजिए किससे संबंधित है, है ना? पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर का युग बेटा पाषाण काल। हाँ जवाब दीजिए, वेरी गुड, कई बच्चों ने करेक्टली परफेक्टली जवाब दिया है, वेरी गुड, शाबाश स्टूडेंट। हाँ ये है सिंघमपुर, इज द करेक्ट आंसर बच्चों, वेरी गुड। ये आपको उसके संबंधित स्थान भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, ये कौन बताएगा, इसी का अगला पड़ाव। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए, पाषाण युग के औजार, यही आपका मेन सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पाषाण युग के औजार कब प्राप्त हुए। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या हो, ये मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। हाँ बताइए पाषाण युग, और ये क्रम पे बताइए ना, किस पे बताना आपको, क्रम पे बताना है, जवाब दीजिए कमेंट करके, पाषाण युग के औजार कहां पे प्राप्त हुए हैं, सॉरी आराम से बताइए। हाँ एक दो सही गलत, सही गलत, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, 3, 4, 1, 2 है ना, ठीक है, सिंघमपुर है ना, ठीक है, ये कबरा है ना, कबरा, कबरा पहाड़ है ना, फिर धनपुर, फिर अर्जुनी। आपके एग्जाम का जो सवाल है बच्चों वो यही सवाल है, आपके एग्जाम में यही सवाल पूछा जाएगा, आप कितना भी उधर कर लो ऐसे सवाल आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने सीजी कंप्लीट कर लिया, अब हम चलेंगे कंप्यूटर की क्लास में। पहला क्वेश्चन, फ्रॉक क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पूछा गया सवाल है, जवाब दीजिए। सारे बच्चे कैरी ऑन करिए, ये आपके आगामी एग्जाम में काम आएगा, आगामी आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन, और आगामी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर का सेक्शन काम में आएगा, बिल्कुल लगा लीजिए इसको, आखिरी तक लगा लीजिए ताकि बाद में आपको फायदा मिले। बताइए क्या होता है, गुड इवनिंग सारे बच्चों को जो बाद में आ रहे हैं, जवाब दीजिए क्या होता है इसका आंसर, बताइए कमेंट करके क्या होता है फ्रॉक। नहीं ये क्या होता बताऊं, कोई भी नई प्रक्रिया कंप्यूटर में चालू करने को ही फ्रॉक कहा जाता, समझेंगे। देखो एक सिस्टम कॉल है बेटा, फ्रॉक क्या एक प्रोसेस है, मतलब चाइल्ड प्रोसेस बनाने के बाद दो अलग प्रोसेस बनाना, मतलब समझ रहे हो, पहले ऐसे आया, फिर वो ऐसे कन्वर्ट किया, फिर वो इसको और तोड़ते गया, एक प्रकार का ये प्रोसेस बनाता है बच्चों, ठीक है, इस बात को याद रखना। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, देखिए आजकल के जमाने में सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किसने किया है, जवाब दीजिए। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, दैट कॉल टू सॉफ्टवेयर। और आगामी एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख के चलिए, 50-50 नंबर के सवाल आते हैं, जवाब दीजिए सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। अच्छा इसका सॉरी आविष्कारक, आविष्कारक बताइए। हाँ ये यहां फंसने वाली बात हो रही है, जॉन डब्ल्यू ट्यूके इज द करेक्ट आंसर बच्चों, जॉन डब्ल्यू ट्यूके ने
सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये क्या है, यूट्यूब जिसमें आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर है, जीमेल सॉफ्टवेयर है, फेसबुक इंस्टाग्राम ये ऐप में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है, गूगल क्रोम वर्ड, आप जितना भी चीज आज जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर है बच्चों, सभी के सभी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बताने की बात नहीं है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है करके। निम्न में किसने 3D प्रिंटिंग का तकनीक का आविष्कार किया? जवाब दीजिए 3D प्रिंटिंग के तकनीक का आविष्कार। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए वो ड्राइंग जिसके विमाएं दिखती है, तीन विमाएं, ये दिख रहा है आपको, रियल टाइप का लग रहा है, ये रियल टाइप का, ये 3D प्रिंटिंग है ना। तो बताइए निम्न में से 3D प्रिंटिंग का तकनीक के आविष्कारक कौन थे? सवाल पूछेगा बच्चों, ये कंप्यूटर रिलेटेड है, क्योंकि जो भी 3D प्रिंटिंग होता है वो कंप्यूटर से ही किया जाता है, कंप्यूटर से ही किया जाता है। जवाब दीजिए चार्ल्स हुले ने किया है, करेक्ट आंसर है, चार्ल्स हुले ने 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया है बच्चों, इस बात को याद रखिए। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक थे चार्ल्स हुल, है ना। यह प्रणाली को पेटेंट कराया गया। 3D प्रिंटिंग देखिए, इस पे ज्यादा तो सवाल नहीं आएगा, पर याद रखिए पहला वाणिज्यिक 3D प्रिंटर थे SLA-1। मेरे हिसाब से इसके ऊपर नहीं पढ़ना, 3D प्रिंटिंग में इतना काफी है। क्विक टाइम फॉर्मेट के द्वारा विकसित किया गया। क्विक टाइम फॉर्मेट क्या है, कोई वीडियो चला रहे हो, कोई ऑडियो चला रहे हो, मतलब जो आप एक मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर रहे हो वो क्विक टाइम फॉर्मेट, इनमें से कौन सी कंपनी ने उसे सबसे पहले विकसित किया? जवाब दीजिए क्विक टाइम फॉर्मेट सबसे पहले कौन सी कंपनी ने विकसित किया, बताइए बच्चों, सवाल तगड़ा है, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा, पढ़े हो ऐसे ही। देखो कुछ सवाल कठिन रहेंगे जो थोड़े से समझ के परे रहेंगे, बताइए। हाँ, एप्पल ने किया था, एप्पल तभी आज आगे है, क्यों आगे है, देखिए एप्पल द्वारा विकसित है क्विक टाइम फॉर्मेट, ये फाइल एक्सटेंशन मैक में काम करता है, ये मतलब वीडियो हो ऑडियो हो उनके जितने भी फॉर्मेट को वो तेज करना चाह रहा था, क्विक टाइम फॉर्मेट ला रहा था कि वो लैग ना करे, वो अटके ना करके। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया, जिसने पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है या कंप्यूटर की माता भी कहते हैं, जवाब दीजिए वो कौन है जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है या जिसे माता कहते हैं, कंप्यूटर की माता, पढ़े हो ना, कंप्यूटर की माता कौन है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर की मां भी माना जाता है। हाँ, लेडी एड अगस्टा, याद रखिए फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहोगे और माता भी कहोगे, इससे सवाल बनता है बच्चों, ठीक है। अगस्ता एंड किंग नोएल लेवेक्स, एकदम लंबा नाम है, वो महान गणितज्ञ थी, लेखिका भी थी, याद रखना, वो चार्ल्स बेबेज के साथ यांत्रिक जनरल परपेज कंप्यूटर में, इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन पे कार्य किया है, और याद रखिए वो पहले प्रोग्रामर थी बच्चों, लेडी अगस्टा, ठीक है। जवाब देंगे स्ट्रेटी क्या है, सवाल पूछा जाता है, कमेंट करके बताइए स्ट्रेटी क्या है, सवाल अच्छे स्टूडेंट। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया ये भी याद रखना ना बच्चा, यहां से भी सवाल पूछता है स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए स्ट्रेटी क्या है, सारे बच्चे जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए स्ट्रेटी क्या है, नहीं नहीं ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, एक 3D प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक कार है, एक 3D प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक कार है। कभी कभी सवालों में यह सवाल पूछा गया है, क्यों पूछा जाता है कि ऐसे सवाल पूछेगा कि यह क्या है वो क्या है, आपको याद रखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कार है। प्रत्युषा नाम किसे
दिया गया था? प्रत्युषा, बताइए मुझे कमेंट करके, किसे कहा जाता है प्रत्युषा, बताइए सारे बच्चे, प्रत्युषा किसे कहा जाता है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, प्रत्युषा किसे कहा जाता है, जवाब दीजिए, कौन है प्रत्युषा बताइए। वाह, पंडुब्बी है क्या, है क्या बोल रहे हैं, नंबर डालो रे, प्रश्न संख्या डालोगे तो समझ आएगा ना। हाँ, सुपर कंप्यूटर है बेटा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना, परम 8000, बनाने वाली कंपनी है सीडेक, कंपनी कहां की है, पुणे के लिए। क्यों बनाया गया इसे, मौसम संबंधित विज्ञान के लिए, ठीक है ये याद रखना, ठीक है। देखो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, वह कंप्यूटर जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में करते हैं, मिलियंस ऑफ कम टाइम में करते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 800, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये पुणे में बनाया गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का ये डिजाइन है, वहां असेंबल किया गया, ठीक है। और बिल्कुल याद रखिए, इससे सवाल कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है, मतलब याद रखिए कौन सा मल्टीमीडिया है जो ज्यादा परफॉर्मेंस डिमांड करता है, कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है, बताइए। आप अपने मोबाइल पे ऐसा क्या चलाते हो जिसके लिए नेट ज्यादा लगता है, हाँ उसको बोलते हैं वीडियो, करेक्ट है। देखो ये मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स है, ये भी याद रखना है, टेक्स्ट भी आता है, ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, एनिमेशन भी आता है और ग्राफिक्स भी आता है। वीडियो को ही चलाने के लिए हमको ज्यादा डेटा, इंटरनेट का स्पीड, इसमें ही क्वालिटी क्वांटिटी डिपेंड करती है। ये परफॉर्मेंस करने के लिए अपना ज्यादा डेटा यूज करेगा तो इसके लिए इसकी परफॉर्मेंस की डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है, अगर कभी सवाल आता है एग्जाम में कि कौन कौन से मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है, देखिए ग्राफिक्स है मतलब आप इसको इमेज भी समझेंगे ना, कई बच्चे बोलेंगे सर इमेज नहीं लिखा है, इमेज भी है बच्चों, ग्राफिक्स मतलब इमेज हो जाता है ना, इस बात को याद रखना स्टूडेंट। एक सब स्क्रिप्टेड S2O जैसे कैरेक्टर को कौन से कॉम्बिनेशन का उपयोग करके लिखा जाता है, देखिए कंप्यूटर में ना जो कुछ सूत्र होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं, उनको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते वर्ड में जाके, आप कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन उपयोग करोगे, कुछ ना कुछ शॉर्टकट की उपयोग करोगे तभी लिख सकते हो। तो शॉर्टकट की दिया गया है, अगर आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने हैं, किसके, रसायन के फॉर्मूले लिखने हैं, बायो के लिखने हैं, तो आपको किसका उपयोग करोगे, हाँ कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। एक सवाल और आता है कि एक्सेल में सूत्र को कैसे लिखते हैं, तो वहां पे बराबर का उपयोग करते हैं। दोनों टर्म्स को याद रखना, चाहे वो रसायन के लिए हो या एक्सेल के लिए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सूत्र में सेल एड्रेस का पता $A, $4 का मतलब होता है, सेल एड्रेस कहां मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा बेटा, सेल एड्रेस कहां मिलता है, एक्सेल में, एमएस एक्सेल में मिलता, दिखाऊंगा अभी। अब उसका पता करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा, थोड़ा सा कठिन सवाल है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सेल एड्रेस, हाँ पिछली बार थोड़ा सा इसके आंसर में ना मेरे से गलती हो गया था, मेरे से, इसको लिखना
इसको बोला जाता है मिक्स्ड सेल रिस्पांस। एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे ना, इसको ठीक कर लेना। इसको आंसर मैंने चेक किया है, मिक्स सेल रिस्पांस कहा जाता है। दिखा रहा हूं ना, ये दिख रहा है आपको, ये जो बन रहा है ये वन, ये टू, ये थ्री, ये सभी सेल है, इसी को बोला जाता है मिक्स्ड सेल रिस्पॉन्स, है ना, मिक्स्ड रिफरेंस इन एक्सेल, है ना, मिक्स्ड सेल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, पिछली बार मैं गलत आंसर बता दिया था, इसको ठीक करना बच्चों। मूविंग पिक्चर ग्रुप का उपयोग किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? मूविंग पिक्चर, एमपीईजी का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, लिख लेना मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये नाम हो गया। एक्चुअल में एमपीईजी कौन सा फॉर्मेट है, सवाल ये पूछा जा रहा है। एमपीईजी, एमपीईजी कौन सा फॉर्मेट है, जवाब दीजिए कमेंट करके मुझे। एमपीईजी कौन सा फॉर्मेट है? हाँ, वीडियो फॉर्मेट है। आपको सारे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट को याद करना है, जैसे कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं समझाने के लिए। WEBM, MPG, OGG, MP4, AVI, MOV और MPEG, ये सभी वीडियो फॉर्मेट है। इन फॉर्मेटों से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सारे फॉर्मेट याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है? अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? जवाब दीजिए कमेंट करके, सारे बच्चे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? हाँ, ये थोड़ा सा बाहर का सवाल है, दिमाग काम नहीं करेगा। इसको बोला जाता है ECL, इमेटर कब्ड लॉगिल, है ना। एक्चुअल में ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक लॉजिक फास्टर लॉजिक ग्रुप कल है, ये आपके एग्जाम से थोड़ा सा अनरिलेटेड सवाल है, ये भी कंप्यूटर में ही किया जाता है, बाहर का सवाल है ये, ठीक है, छोड़ दो उसको अभी। स्ट्रीम प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। स्ट्रीम प्लेबैक मतलब जो आप मेरी लाइव सेशन देख रहे हो, अगर मेरे लाइव सेशन में थोड़ा भी अप एंड डाउन आएगा, लाइव सेशन में प्लेबैक में विलंब आएगा, वो क्या कहलाएगा? जवाब दीजिए। लाइव सेशन देख रहे हो और इस लाइव सेशन में थोड़ा सा भी लेट आएगा, अप एंड डाउन आएगा, वह क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए मुझे क्या कहलाता, जवाब दो। आ सकते हैं एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, बताइए अगर थोड़ा सा लेट आएगा तो क्या कहलाएगा? उसे जिटर कहते हैं बेटा, जिटर, याद रखिए। प्लेबैक डिले नहीं बोलते, जिटर बोलते हैं। जिटर क्या होता है कि आपके नेटवर्क कनेक्शन में डेटा पैक में देरी से आने के कारण कभी कभी परिवर्तन आता है। ये आप देखियो, ये वाला चीज तो आपके पास मैक्सिमम टाइम हुआ होगा, कई बार बफरिंग की जो शिकायत आती है ये कुछ इस टाइप से घूमता रहता है, तो प्लेबैक में विलंब ही कहलाएगा जिटर, इस बात को याद रखना बच्चों, क्या कहलाएगा? जिटर कहलाएगा। सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना, बताएंगे कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है, लिखना, इसका आता ना सवाल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस से सवाल कई बार पूछा गया है, हाँ,
इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी एड्रेस, तो बताइए कौन सा वैध आईपी एड्रेस है। पकड़िए बच्चों, जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है डी 192.168.56155। एक बार सवाल आएगा सर कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं होता, आईपी एड्रेस का डिजिट होता है, उस डिजिट को बस याद रखिए आप लोग, है ना, आपको याद हो जाएगा चीजें। आईपी एड्रेस होता क्या है, मन में सवाल आएगा, एक ऐसा एड्रेस नंबर जिसके माध्यम से नेटवर्क आपस में डिवाइस से जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैं लैपटॉप में चला रहा हूं, मोबाइल पे चला रहा हूं, कहीं भी चला रहा हूं, डेटा का आदान प्रदान कर रहा हूं, वीडियो अपलोड कर रहा हूं, डाउनलोड कर रहा हूं, आईपी एड्रेस के माध्यम से ही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। ये सवाल इसके कई बार स्पेलिंग से ही आया बच्चों, तो सारे बच्चे याद रखें। एक सीडीआर, सीडीआर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, लिख दे रहा हूं ना, सीडीआर बताइए, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जवाब दीजिए। सीडीआर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, कमेंट करके बताइए बच्चों क्या होता है सीडीआर, सारे बच्चे जवाब देंगे। एक सीडीआर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रीड ओनली वॉर्म, हाँ, राइट वंस रीड मैनी, एक बार आप राइट कर सकते हो और उसको पढ़ बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, राइट वंस रीड मैनी, कॉम्पैक्ट डिक्स राइटर बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखना ये कई बार लॉजिकल सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट, तो आपको बताने आना चाहिए, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो आज ये जो सेशन था 30 क्वेश्चन का था, आज हमने चालू किया क्लास, और देखिए स्टूडेंट तैयारी आपको ऐसे लॉजिकल ही पढ़ के करनी है, इन लॉजिकल तरीके से तैयारी ना करें। और जिस प्रकार से आपने क्लासेस को ज्वाइन किया है, डिटेलिंग में देता हूं, उसके नोट्स अभी से बनाइए ताकि एग्जाम में चीजें याद रखे। टेलीग्राम के ग्रुप को हर बच्चा ज्वाइन करेगा, फ्री वाला हो चाहे पैड वाला हो, ताकि आप मुझसे कनेक्टिविटी बना सके बच्चों, ठीक है। और 4 बजे जो क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की क्लास, उसका लिंक मैं डाल दिया हूं, वो वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना, 4 बजे वाली क्लास का लिंक डाल दिया गया है क्या, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, 4 बजे वाला जो टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूंगा, हाँ ये याद करके चलिए, हाँ वीडियो को लाइक भी करना है। देखो एक बात समझा दे रहा हूं, जो वार्डन की तैयारी कर रहा है वो अभी से करे, वो वार्डन आने के बाद ना करे, उस समय रिवीजन करवाऊंगा, अभी से ये सारे क्वेश्चन पढ़ना चालू करे, अभी से रोज एक बेहतरीन चीजों को नोट्स बनाए, है ना। 4 बजे क्लासेस चल रही है, वहां भी आके देखिए, हाँ थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। इस टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे और आपके अप्रोच बराबर सही होने चाहिए बच्चों, ऐसे ही सवाल आएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को हिट कर दिया करो, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सके। एडियो, एडियो का बात तो चल रहा है पर पता नहीं कब आएगा वो, है ना, हाँ ठीक है। तो सारे बच्चे मेहनत करिए, लगे रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समय मिला है अगर वार्डन के लिए तो करिए, महिला पर्यवेक्षक का समय मिला है तो उसको भी करिए, आप लगातार जूझिए बच्चों, रोज पढ़िए, रोज जितना पढ़ोगे उतना आप पारंगत होते जाओगे, जितना पढ़ोगे रोज पढ़िए और अच्छे से तैयारी करें बच्चों, रोज पढ़िए। मेरी वीडियो 4 बजे आती है, एक वो चैनल है उसमें 4 बजे आती है, इसमें 10 बजे आती है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज्यादा हैवी रहते हैं तो थोड़ा गैप देख के हम बनाते हैं। कंप्यूटर 20 नंबर का आता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर में,
लाऊंगा लाऊंगा, अभी ये दोनों को चलने दो, छत्तीसगढ़ तो आपका उसमें भी काम आएगा। किसमें? अमीन पटवारी भी आने वाला है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी आने वाला है, दुनिया भर की चीजें आने वाली है, आपको रुकना नहीं है, दुनिया भर की चीजें आने वाली है, रोज आना है और रोज तैयारी करना है। अभी तो नहीं आया है श्रवण फॉर्म, नहीं आया है अभी, आने में टाइम है, आएगा, पर आएगा 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 जरूर आएगा, नहीं तो कहां जाएगा। अभी आइडिया नहीं है, क्या नाम है, इफेक्ट आइडिया नहीं है दोस्त, पर आएगा, और आएगा तो बिल्कुल तैयारी करना है, कोई बच्चा भी यहां वहां ना जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बढ़िया तैयारी करें ताकि एग्जाम में आपको चीजें छूटे ना। डेली आइए, डिटेलिंग नोट्स अपने रेडी रखिए, आपके नोट से ही आपका मेन भला होने वाला है ना। और आपको पढ़ाई करना ऐसे ही करना बच्चों, सिर्फ आपका जो प्रॉपर प्लानिंग है वो बराबर होना चाहिए, आप एग्जाम पास कर जाओगे। प्रॉपर प्लानिंग बराबर होनी चाहिए आप सभी के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? 4 बजे मैथ्स, कल रीजनिंग होगा, 4 बजे कल रीजनिंग लूंगा। रीजनिंग में कल आपका है, कल डाइस बढ़ाऊंगा, डाइस छात्रावास अधीक्षक वालों का भी लूंगा और महिला पर्यवेक्षक वालों का भी लूंगा, कल डाइस लूंगा, डाइस रीजनिंग में डाइस है कल, डाइस है ना, सारे बच्चे आ जाना। ठीक है, ठीक, तो 4 बजे कल क्लास रहेगी, अब क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट सभी को, टेक केयर, समय वेस्ट ना करते हुए आगे की प्रक्रियाओं को चालू करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बच्चों, जाइए पढ़ाई करिए। अच्छा, वार्डन में रीजनिंग नहीं है ना, हाँ तो वार्डन वाले मत पढ़ो रीजनिंग कलते, पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर में है, अमीन पटवारी में आएगा रीजनिंग है ना, पर कोई बात नहीं, रीजनिंग महिला पर्यवेक्षक वालों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा मेरे को अभी, वो भी अच्छे से। चलो गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं कल, सारे बच्चे टाइम से आ जाना। चलो बाय सभी को, गुड नाइट, टेक केयर है ना, आप रोज लगे रहिए, कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, समय लगता है। चलो बाय सभी को, टेक केयर बच्चों है ना, बाय।